साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। हाल के दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं, कुछ फिल्मों की बात कर रहा हूँ, जिसने पूरे समाज में एक हलचल पैदा कर दी है। जो पॉलिटिकल सिनारियो है ना, राजनीतिक परिदृश्य, उसमें हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसमें समाज की क्रूर सच्चाई एक के बाद एक सामने आती जा रही है। और कई सारी फिल्में हैं दोस्तों, कश्मीर फाइल्स, दी केरल स्टोरी और उसके बाद की फिल्मों की जो श्रृंखला है ना, वो देखिए, वो नाम सुनिए, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, गोधरा, दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, स्वातंत्र्य वीर सावरकर और अजमेर 92। अब ऐसी फिल्मों की झड़ी क्यों लग गई, ये सवाल तो आपके मन में उठता होगा ना। ये कौन सी चीज़ें हैं जो पीछे काम कर रही, ऐसी चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं, क्या बॉलीवुड के लोगों में कोई ऐसी धारणा फिट बैठ गई है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके भी सवाल हैं। तो कुछ पॉइंट आपके सामने पहले रख देता हूँ। क्या भारत में फिल्मों के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है? क्या बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा धीरे धीरे खत्म हो रहा है? दोनों तरह की बात, एक कह रहे हैं प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं खत्म हो रहा है। क्या हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने के लिए ऐसी फिल्में आ रही हैं? क्या भारत के लोगों का जो पुराना ट्रेंड है ना, कि प्रेम मोहब्बत थर्ड क्लास कहानियाँ, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ में जा करके दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, साइंटिफिक फिल्में बन रही हैं अपने यहाँ, वही लव ट्राइंगल और प्रेम मोहब्बत की कहानियाँ, उससे क्या लोगों का मन ऊब गया है? इसके अलावा क्या समाज की सच्चाई अब फिल्मों में दिखाई जा रही है, क्योंकि लोग इसे ही पसंद कर रहे हैं, कहीं ये तो सवाल नहीं है। इसके अलावा क्या बॉलीवुड में किसी प्रकार का डर का माहौल है? देखिए, सारे सवाल बड़े रेलिवेंट हैं। क्यों रेलिवेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सारे सवाल उठ रहे हैं, हर इंसान के मन को मतलब झकझोरने वाले हैं। ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि दो तीन ऐसी बहुत बड़ी घटनाएं हुई दोस्तों, जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। क्योंकि आप जानते हैं ना, आजकल एजेंडा चलाने वाले तो पहलवानों में लगे हुए हैं, एक तो विदेश चले गए हैं, तो आपके पास बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें छूट गई होंगी जिन्हें आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं आपको दोस्तों कुछ सवाल दिखाता हूँ। पहले सवाल, फिर बहुत ही ऐसी घटना है जो आपको मतलब आश्चर्यचकित करेंगी। अच्छा बुरा के चक्कर में तो मैं अभी आपको लेकर ही नहीं आ रहा हूँ। ये खबर देखिए, नसीरुद्दीन शाह, एक समय में तो मतलब ऐसा थोप दिया गया था कि इससे बढ़िया एक्टर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आज जब चीज़ें सामने आ रही हैं तब ना पता चल रहा है कि क्या है। नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा, दी केरल स्टोरी एक खतरनाक ट्रेंड है, न देखी है न देखूंगा। चुप भी रह सकते थे, ऐसा थोड़ी कि फिल्में पहले नहीं आई, केरल हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। लेकिन ये जनाब तो एकदम अडिग हैं, न देखी है न देखूंगा और खतरनाक ट्रेंड है। फिर आगे कहते हैं, बॉलीवुड डर के साए में जी रहा है। बॉलीवुड के ताज़ा हालात कैसे हैं, मैं तो आपको सिर्फ खबर दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं रहा। आगे बढ़िए, और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। नसीरुद्दीन शाह ने ये भी कहा कि हमें लगता है कि हम नाजी जर्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। नाजी जर्मनी, आप सोचिए, ये हमारे आदर्श बनाए गए एक्टर हैं। खुद क्या किया ये भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, पर्सनल लाइफ की बात नहीं कह रहा, ये वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली बात ही बताऊंगा। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, सच्चाई ये है, जग जाहिर हो चुका है कि देश में किस प्रकार से धर्म निरपेक्षता के ढोंग में सरकारों ने सनातन संस्कृति को कुचलने वाली फिल्मों को बढ़ावा देने का काम किया, और बॉलीवुड ही कर रहा था ये, और ये जनाब जो बोल रहे हैं ना वो भी कर रहा था। लेकिन जो हिंदुओं की त्रासदी पर फिल्में बनी उसको दबाने का काम किया गया, ये पूरा इकोसिस्टम, ये बॉलीवुड तो खैर आप जानते ही हैं किसका कब्जा हो गया है, लेकिन उन लोगों ने दबाने का काम किया।
अब मैं आपको एक अच्छी खबर दिखाता हूँ, द केरल स्टोरी। कितना रोकने का प्रयास किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया, एक झलक वो भी दिखलाता हूँ। लेकिन इस फिल्म ने कमाल कर दिया। कमाल कैसे किया कि सबसे कम बजट में बनने वाली इस फिल्म ने लगभग 25 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। ये सुपर डुपर हिट है, ये वो वाला हिट नहीं है जो शाहरुख खान दिखा रहे थे पठान में। पैसा आ नहीं रहा था, जा रहा था, और जाते जाते ही मतलब हिट कर रहा था, उनके पास कुछ आया नहीं। लेकिन कमाल की बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रविवार को जिस दिन आईपीएल का फाइनल मैच खेला जा रहा था, उस दिन भी इस फिल्म को देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हेडर ही देख लीजिए, वीकेंड में द केरल स्टोरी ने बनाया नया कीर्तिमान। रविवार को फिर उमड़ी भीड़, मतलब जब आईपीएल चल रहा था, आईपीएल ने तो रिकॉर्ड बनाया। अब केरल स्टोरी को देख लीजिए क्या हुआ होगा। लेकिन ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ दोस्तों जब लेफ्ट लिबरल गैंग ने इस फिल्म को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ मतलब कौन सा ऐसा रास्ता है जो छोड़ दिया हो। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये कहानी मैं आपको दिखा चुका हूं। इसे नफरत फैलाने वाली फिल्म बताकर पश्चिम बंगाल में पाबंदी लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में खारिज भी हो गया तब भी ये फिल्म कितनी चली है, क्या चल रही है ये भी आप समझ लीजिए। धमकी देने की खबरें आई, और इसके बाद तमिलनाडु में अघोषित पाबंदी लगा दी गई, ये कह के कि फिल्म तो चली नहीं रही है, बेकार फिल्म है। अब ये आंकड़े क्या झूठी गवाही देते हैं? क्या लोगों को किसी ने धक्का देकर भेज दिया फिल्म देखने, जो 230 करोड़ रुपए करीब करीब 250 करोड़ रुपए कमा चुकी है? और इसी प्रकार से याद कीजिए कश्मीर फाइल्स को, उसको भी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। केजरीवाल का तो मशहूर डायलॉग तो आप भी जानते हैं, डाल दो ना यूट्यूब में, पिरी पिरी सब देख लेंगे, याद है ना। लेकिन सच्चाई ये थी कि तमाम मुश्किलों के बाद भी द कश्मीर फाइल्स देश की पहली ऐसी फिल्म थी कोविड के बाद जिसने 250 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और उस समय आमिर खान, सलमान खान जैसे सितारों की फिल्म पिट गई थी। अब ये जब बात बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसका अर्थ समझ रहे हैं ना। इसका अर्थ ये है कि ये फिल्में सरकार से नहीं चलती, आम जनता के चाहने न चाहने से चलती है। इस देश की जनता क्या देखना चाहती है उससे चलती है। इस देश के लोगों के मन में क्या है, क्या सोचते हैं, कैसी भावना है, उससे ये फिल्में चलती हैं। जाहिर है दोस्तों अब हालात बदले हैं, और जब हालात बदल गए हैं, जब चीज़ें बदल रही हैं, मैं बाकी फिल्मों की चर्चा करूं उससे पहले कुछ और पॉइंट्स आपके सामने रखना ज़रूरी है। बॉलीवुड में ये बदलाव क्यों हुआ है? अब उनका सनातन संस्कृति के खिलाफ जो एक तरफा एजेंडा चलाते हैं ना, वो नहीं चलने वाला है। ये तो केरल हाईकोर्ट ने भी शायद कहा था कि भैया जब आप मजाक उड़ाते हैं तब कोई रोकता है क्या? सनातन संस्कृति से जुड़े जितने भी प्रतीक हैं, उनका जो मजाक उड़ाया जाता है फिल्मों में, अब लोग पसंद नहीं करते, वो नहीं चलने वाला है। ये पहला मैसेज है। दूसरा, दर्शकों के मूड को बॉलीवुड के ये लोग भांप गए हैं, ये समझ गए हैं कि फिल्मों को लेकर देश में जन जागृति आई है। अब जन जागृति का मतलब यही है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि रविवार को खाली है तो फिल्म देखने पहुंच जाएंगे, नहीं, फिल्म भी हम तभी देखने जाएंगे जब हमको पता चलेगा कि इस फिल्म में कहीं अपना एजेंडा तो नहीं थोप दिया है, कहीं हमारी संस्कृति का अपमान तो नहीं किया जा रहा है। ये जन जागृति लोगों में आई है। अब ये एंटरटेनमेंट वाली बात नहीं रही कि एंटरटेनमेंट के नाम पे आप हमें ही गाली दे दो। तीसरा, देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है, ये जानना चाहती है कि उनके साथ क्या ज़ातियाँ हुई हैं। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोग ये भी समझना चाहते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे साथ क्या कुछ किया गया जो भूतकाल में, वो भी जानना चाहते हैं। और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है, चौथा ये है कि देश में इस समय सही मायने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित हुई है। फिल्मकार समझ गए कि अगर वो कोई फिल्म बनाएंगे, रियल घटनाओं पर बनाएंगे,
तो कोई उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सेक्युलरिज्म के पाखंड के नाम पर उनकी फिल्मों को कुचल दिया जाए, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचल दिया जाए। तो ये भावना भी लोगों में, ये जो सुरक्षा की भावना है, ये फिल्मकारों में पहुंच गई है। यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता भी है दोस्तों। अब इन बातों का असर देखिए दोस्तों। पहला, गुजरात दंगा। गुजरात दंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया गया, कैसे कैसे बताया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ गए, तब भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अलग एंगल से दे दी गई। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक तरफा रिपोर्टिंग की गई, लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आने वाली है, गोधरा कांड की, कि कैसे ये चीज़ें हुई थी। दुनिया को ये पता चलेगा दोस्तों कि आखिर गुजरात दंगों को किसने हवा दी। ये भी पता चलेगा कि 27 फरवरी 2002 को जब अयोध्या से लौट रहे थे 59 राम भक्त, तो किस प्रकार से गुजरात के गोधरा में उन सबको जिंदा जला दिया गया। ये बोगी थी S6 साबरमती एक्सप्रेस की। गोधरा में कैसे इस बोगी में आग लगाई गई, इसमें 10 बच्चे और 27 महिलाएं भी थी, आप ये देख लीजिए। और इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। अब इस घटना पर एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा के नाम से फिल्म आ रही है। इस फिल्म का टीजर 30 मई 2023 को जारी किया गया, और ये जो फिल्म है ना, ये नानावटी मेहता आयोग की रिपोर्ट जो है उसके तथ्यों पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी कल्पना की और बना दिया, जो सरकारी रिपोर्ट है, आयोग की रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये फिल्म बन रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फिल्म आ रही है, नाम है अजमेर 92। इस फिल्म की कहानी दोस्तों द केरल स्टोरी से भी खतरनाक है। हेडर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। द केरल स्टोरी से भी 10 गुना खतरनाक होगी अजमेर 92। फिल्म की कहानी सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये फिल्म क्या है? देश के सबसे बड़े सेक्स कांड पर जुलाई में ये फिल्म आ रही है, अजमेर 92। इसमें 100 से अधिक छात्राओं से रेप की घटनाएं हुई थी, 250 से अधिक लड़कियों के न्यूड फोटो बांटे गए थे, और 28 परिवार रातों रात लापता हो गए थे। कहानी क्या है, इस मैं आपको सीधा एबीपी न्यूज़ की ये स्टोरी पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोल रहा। साल 1992 के अप्रैल मई महीने में जो कृत्य पवित्र नगरी अजमेर में हुआ, उसने न सिर्फ अजमेर को शर्मसार किया बल्कि समूचे देश को स्तब्ध कर दिया। अजमेर के चिश्ती घराने से ताल्लुक रखने वाले फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, जो उस समय यूथ कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी थे, ये जो तीनों चिश्ती है ना, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, उस समय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने अजमेर के पूंजीपति के बेटे का यौन शोषण किया, उसकी नग्न तस्वीरें उतारी, फिर उसे धमकाकर उसकी गर्लफ्रेंड को भी इस ट्रैप में फंसाया, जो कि अजमेर के एक नामी स्कूल में पढ़ती थी, और इसी तरीके से सैकड़ों बच्चियों को फंसाया गया। ये वो कहानी है, सुनकर दहल जाएंगे दोस्तों, ये वो कहानी है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उनके लिए कुछ ही लोग महत्वपूर्ण होता है, पूरा इतिहास भुला दिया गया, बस जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीच बीच में महात्मा गांधी को भी लपेट लेते थे, बस इनके अलावा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, वीर सावरकर, ये सब तो खैर छोड़ ही दीजिए। लेकिन अब एक फिल्म रिलीज हो रही है, नाम है स्वातंत्र वीर सावरकर। ट्रेलर से ही लोगों को मज़ा आ रहा है कि अरे वाह, इतिहास के पन्नों को देखने का मौका मिलेगा। और ये वीर सावरकर वो हैं जिन्हें राहुल गांधी आज भी अपमानित करते हैं, गालियां देते थकते नहीं, व्यंग्य करते हैं, जबकि आप, अरे भाई, ये तो दुनिया का इकलौता ऐसा शख्स है जिन्हें 2 बार काले पानी की सजा हुई, लेकिन सोचिए किस हद तक कांग्रेस गिर चुकी है। आज उसी वीर सावरकर की सच्चाई को सबके सामने लाने वाली फिल्म आ रही है, और जो टीज़र देखेंगे ना आप, तो टीज़र ही बहुत बड़ी कहानी है। जानते हैं कैसे?
क्योंकि इस कहानी से दुनिया को ये पता चलेगा कि वीर सावरकर वो शख्सियत है जिन्होंने भगत सिंह को प्रेरित किया, जिन्होंने हमारे देश के एक महानतम शख्सियत सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया, जिन्होंने खुदीराम बोस को प्रेरित किया। जाहिर है दोस्तों, लोग इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब एक और फिल्म सुनकर इसकी कहानी भी आप हिल जाएंगे और जो घटनाएं घट रही हैं। लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम पश्चिम बंगाल में हो रही हत्याओं की सच्चाई को छिपाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, झूठे नैरेटिव गढ़ता है, लेकिन अब इस सच्चाई पर भी फिल्म आ रही है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। टीजर जैसे ही रिलीज हुई ना, खलबली मच गई बंगाल सरकार में। और ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो आप देखिए, फिल्म के डायरेक्टर जो निर्देशक हैं सनोज मिश्रा, उनको लीगल नोटिस आया है और वो ये बता रहे हैं कि बंगाल बुलाकर उनकी हत्या की जा सकती है, उनके खिलाफ FIR तक दर्ज कर ली गई है। बताइए ये कौन सी अभिव्यक्ति है भैया, कैसे डराया जाता है, धमकाया जा सकता है। दी केरल स्टोरी का तो आपने हाल ही देख लिया, बंगाल पे फिल्म बनाई तो क्या हाल होगा। अब सोचिए कि डायरेक्टर ये बात कह रहे हैं, मैं आपको रिलेट करता हूँ। अभी नसीरुद्दीन शाह की बात बताई थी ना कि गुजरात दंगों पर एक फिल्म बनी परजानिया, आज जो डर फैला रहे हैं ये नसीरुद्दीन शाह, वही इसके हीरो थे। जब फिल्म बनाई गई तो क्या इनको गुजरात सरकार ने कोई नोटिस भेजा, क्या गुजरात पुलिस ने कोई नोटिस भेजा? तब स्वतंत्रता थी ना। लेकिन आज देखिए कि बंगाल पर एक फिल्म बनी तो इस पर क्या हुआ, नोटिस भेज दिया गया। अब आप सोचिए, नसीरुद्दीन शाह गुजरात दंगों पर फिल्म बनाते हैं, हीरो है, और उसके बाद दूसरी फिल्म भी बनी। अब ये देखिए फिराक, इसमें भी नसीरुद्दीन शाह ही हीरो है, आज तक खुले घूम रहे हैं, और होना भी चाहिए। मेरा ये मानना है भाई, फिल्म बनाना कोई जुल्म है क्या? ऐसा तो है नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके खिलाफ तो कोर्ट कचहरी है। लेकिन आप सोचिए, जो आज भारत सरकार को गालियां देते हैं, मोदी सरकार को बदनाम करते हैं नसीरुद्दीन शाह, उनको ये ध्यान नहीं आता कि एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाने का प्रयास किया, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, और पश्चिम बंगाल पुलिस उसे नोटिस भेज रही है, FIR दर्ज कर रही है, तो नसीरुद्दीन शाह का मुंह सिल जाता है। लेकिन जानते हैं, यहाँ बॉलीवुड के महानायक को भी लाना जरूरी है, अमिताभ बच्चन साहब को। आपको याद है कि नहीं, पिछले साल कोलकाता में एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय, तो जनाब अमिताभ बच्चन वहाँ क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, अभी एकदम मुंह में दही जम गया है। क्या कहा था उन्होंने, मुझे पूरा भरोसा है कि स्टेज पर बैठे साथी इस बात से सहमत होंगे कि अब बेनागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसके लिए बोला था? और जानते, इस बयान के बाद ममता दीदी ने उनके लिए भारत रत्न की मांग कर दी थी। लेकिन इस मामले में दोस्तों, अमिताभ बच्चन की चुप्पी निराशा पैदा करती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये साफ हो गया है कि इतिहास की सच्चाई को दबाने के लिए जो मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, जो मनगढ़ंत नैरेटिव पेश किए गए, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। और जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कहते हैं ना कि हमें मिल नहीं रहा है, दरअसल उन्हें उनका एजेंडा चल नहीं रहा। और ऐसा नहीं कि सरकार रोक रही है, बल्कि जनता ही नहीं देखना चाहती है। अभी नसीरुद्दीन शाह फिल्म बनाए तो देखिए ना, एक आदमी देखने नहीं जाएगा, लेकिन ये फिल्में लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उन्हें इतिहास देखने में अच्छा लग रहा है कि क्या उनसे छिपाया गया। तो सही मायने में अगर आप देखिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पहली बार भारत में मोदी सरकार में ही स्थापित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।